हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मसल फिटनेस एंड शार्पनेस। माय नेम इज शिवम भारद्वाज। आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे आज किस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हैं और किस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को मैं आज डिटेल में बताने वाला हूँ। तो रिव्यू करने वाले हैं हम अपने इस प्रोडक्ट का, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं वीडियो में। बात करते हैं अपने वन साइंस के प्रीमियम वे प्रोटीन के बारे में, जो सही वाइने में प्रीमियम है, तो इसी वजह से रेंज अफोर्डेबल है। अगर आपको विदाउट बिल में भी 3200 से 3500 के बीच में मिल जाएगा, विद बिल आप रियो 4000 से 4500 के बीच में आपको मिल जाएगा। वेरी करता है रेट, क्योंकि सेल होती है, विदाउट सेल होती है, तो उसके ऊपर डिपेंड। पहले मैं आपको बॉक्स की वो वैल्यू बता देता हूँ। जो बॉक्स का जो ढक्कन है हमारा, वो गोल्डन कलर का है, और जो नीचे वो भी गोल्डन है और वो येलो नहीं है, ठीक है। इस बात का आपको जरूर याद रखना है। 76 स्कोप है स्क्रिप्ट, उन्होंने फेक प्रोडक्ट में जो है वो स्कोप नहीं मेंशन किए उन्होंने, तो 76 स्कोप है चॉकलेट फ्लेवर इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है। और ये वेज प्रोटीन है। जब आपको फेक प्रोडक्ट मिलेगा तो उसमें आपका ये सिंबल नहीं है, और वन साइंस उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है कि यहाँ पे वन लिखा हुआ है, इधर यहाँ साइंस लिखा हुआ। उन्होंने क्या किया होगा, एक स्ट्रैप लगाया हुआ है जिसमें गोल्डन कलर का वन साइंस लिखा हुआ है, तो ऐसा वो माना जाएगा फेक प्रोडक्ट, क्योंकि उनकी पैकिंग मैं काफ़ी दिन से इसको फॉलो करूँ प्रोडक्ट को, इसी वजह से मुझे बताया कि इन्होंने इसी तरह से अब तक उन्होंने पैकिंग चेंज नहीं की है, और बड़ी स्टैंडर्ड की इन्होंने पैकिंग की है, लेबलिंग की हुई है। तो प्लीज़ देखो और सही प्रोडक्ट को परचेज़ करना, फेक प्रोडक्ट को परचेज़ मत करना। ये हो गया, मैंने आपको समझा दिया। जो अब आते हैं इम्पोर्टर की बात, फिर आपको बैक स्टोरी सुन लूँ। तो दो तीन इम्पोर्टर हैं जो मुझे पता लगा है, बट ये मसल हाउस इंडिया, इसका मेरे को जैनवन इम्पोर्टर लगा और मैंने इसे ही बाय किया, तो ट्राई करना कि इसी से ही बाय करो, प्रोटीन ओरिजिनल आएगा। और नहीं मिले प्रोटीन ओरिजिनल तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हो, आई विल ट्राई कि आपको जल्द अच्छे से प्रोडक्ट डिलीवर करवा दूं, जिससे मैं प्रोडक्ट बाय करता हूं बंदे से। सो ये इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पैक की बात कर लेते हैं एक बार। तो पैक के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन है, 5.2 ग्राम हमारा एल ग्लूटामाइन है इसके अंदर, और BCAA है, और फास्ट एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है, लीन मसल ग्रोथ के लिए फास्ट मसल रिकवरी, जो सही मायने में करता है। मैं को यूज़ कर चुका हूँ काफ़ी दिन से, और तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मेरे को दे रहा है, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है जो फर्दर प्रोडक्ट्स के साथ जहाँ तक आती है। जो वे प्रोटीन की बात करते हैं, वे प्रोटीन की कैटेगरी के अंदर और आपके रेट कैटेगरी के अंदर इससे अच्छा प्रोटीन आपको नहीं मिलने वाला। सो अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। तो इन्होंने रैपिड रिलीज GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से सर्टिफाइड है, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। हर कोई प्रोडक्ट इसकी जो एक स्टैंडर्ड होता है उसको नहीं फॉलो कर पाता, बहुत कभी बंदे होते हैं लैब टेस्ट हो गया, स्कोप्स हो गए, उनके अच्छे से बताया हुआ। प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट दोनों में यूज़ कर सकते हो, और आप 100 ml से लेके 150 ml तक के वाटर में इसको स्कोप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं हम इसे स्कोप्स की। तो स्कोप के अंदर क्या होता है कि 30 ग्राम की स्कोप है, जिसमें वहाँ पर 35 ग्राम लिखा हुआ है फेक प्रोडक्ट के अंदर, तो ये 30 ग्राम की स्कोप मैं आपके लिए पैड कर देता हूँ। तो 35 ग्राम की स्कोप नहीं है कहीं से भी, ये 20 ग्राम की स्कोप है। प्रोटीन जो है लगभग हमें 83 ग्राम इसको प्रोटीन हमें मिल जाता है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की, तो उसके अंदर पैड भी कार भी सब कुछ हमें मिला हुआ है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये ब्लेंड प्रोटीन तो नहीं, बट ये ब्लेंड प्रोटीन नहीं है, ओके। तो इन्होंने यूज़ किया हुआ है इसके अंदर इंग्रेडिएंट के अंदर सोया कंट वे जो प्रोटीन है वो मिल्क से बनता है, तो काऊ मिल्क से बनता है। इमल्सिफायर जो है इसने सोया को ही यूज़ किया गया है फैट रिड्यूस करने के लिए, फ्लेवर के लिए कोको यूज़ किया गया, तो कोको उसकी वजह से थोड़ा सा फ्लेवर आया था। फ्लेवर में इसने जो आपको मैंने बताया कि चॉकलेट फ्लेवर में मेरे पास है, तो उसमें लिखा था स्वीटनर्स में इसने जो यूज़ किया हुआ है ये आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। थिकनर्स में इसने ये जातरी गम्स जो है वो आपको मतलब नहीं है, बट ये गम्स यूज़ की जाती है। तो वे प्रोटीन आइसोलेट इसने यूज़ किया है इसके अंदर, और अच्छी कॉम्बिनेशन की तरह ही इसने काइंड ऑफ यूज़ किया है इसको। तो ये इसमें है, और पेपिन एक्सट्रैक्ट है जिससे कि आपको एब्जॉर्प्शन में अच्छे से हेल्प होती है। जो इसके इंग्रेडिएंट इन्होंने यूज़ किए गए हैं, तो आप फिर इसके डायरेक्शन इसने जो मुझे बताई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये डायरेक्शन जो है कि आपने कैसे यूज़ करना है वो है, 150 ml से पंप भी पानी लोगे तब भी अच्छे से मिक्स हो जाता है, वो मैंने चेक कर लिया है, और काफ़ी अच्छे से मिक्स होता है, ना प्रोडक्ट कहीं भी चिपकता है, कहीं भी स्टिक स्टिक नहीं होता। और आप कभी भी रख भी देते हो, बाय चांस आप सीकर नहीं धोते हो, तब भी प्रोडक्ट के अंदर स्मेल होती है, बट वो चिपकता नहीं है, जो बहुत अच्छी बात होती है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, जेनविटी का उससे पता लग सकता है, ठीक है। तो ये स्टोरेज आपको क्लोर में करना, बाकी इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। अब इसके पैकिंग की बात कर लें, तो इस तरह ही इसमें लिखा हुआ है, जो आपको गोल्डन कलर का दिख रहा है तो गोल्डन कलर का, येलो कलर का नहीं है। वे प्रोटीन जो है येलो कलर का नहीं है, इसमें सिल्वर कलर का लिखा हुआ है। और वो आप सबसे बड़ी बात है, जिसका सिंबल है वो आप बड़ा यूनिक सा इन्होंने सिंबल बनाया हुआ है,
ये सिंबल देख के ही लेना, वो बीच में जो लास्ट में है ये वाला हिस्सा वो कटा हुआ है, उसमें कटा हुआ नहीं है। तो आप प्लीज़ ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखोगे सो फिर वो आपको अच्छे से हेल्प करेंगे। तो इस और ये पैक येलो कलर का नहीं है, गोल्डन कलर का है, तो आप ये याद रखना 100% जो है वो इसमें लिखा हुआ है ओरिजिनल प्रोडक्ट के अंदर, फेक में नहीं मिलेगा आपको। और आपको मैंने वन साइन जैसा लिखा हुआ था वो मैंने आपको बता दिया है। होप कि आपको मेरा ये पहचानने वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताऊंगा जो काफ़ी अच्छा है, और मैं उसमें आपकी मिक्सिबिलिटी भी प्रॉपर्ली बता दूंगा और उसका एक मिक्सिंग का टेस्ट भी बता दूंगा आप लोगों के लिए। होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना, शेयर जरूर करना वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो वे प्रोटीन्स वगैरह बाय करना चाहते हैं या फिर अच्छी वे प्रोटीन को अच्छे वे प्रोटीन ढूंढ रहे हैं अपने बजट के हिसाब से, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। और पीने के बाद देख लो चिपकता नहीं है बिल्कुल भी कहीं भी, ये इसके बस झाग हैं जो ये साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है।